तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की सैमसंग गैलेक्सी की आपको हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ या हिडन फीचर बताने वाला हूँ, जो कि बहुत यूजफुल है। डेली लाइफ में आप इसका यूज भी करते होंगे और इसके अंदर आप मॉडिफिकेशन क्या क्या कर सकते हैं सब आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले मिले और हो सके मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक भी फॉलो करें। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मैं आपको बताने वाला हूँ कमाल की हिडन फीचर। तो उसके लिए आपको यहाँ ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ ऊपर सर्च का ऑप्शन जो दिखता है ना, उस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। सबसे ऊपर आपको दिखेंगी जो ऐप्स आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो दिखेंगी। उसके बाद यहाँ पर सर्च के लिए सजेशंस दिखेंगे कि आप ये सर्च कर सकते हैं। उसके नीचे आपको डाउनलोड एंड स्क्रीनशॉट का फोल्डर मिलता है। एंड देन रिसेंटली आपने जो भी चीज़ें सर्च करी हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखती जाएंगी। अब दिखती जाएंगे सब आपको यहाँ पर दिख रही हैं। तो आप इसमें से मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि आपको लगता है कि यार मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, कि ये चीज़ मुझे दिखना चाहिए, फिर यहाँ पर जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो ना दिखे, या डाउनलोड एंड स्क्रीनशॉट वाला फोल्डर ना दिखे, या ये सजेशन वाला फोल्डर्स ना दिखे, या फिर ये ना पता चले कि मैं कौन कौन सी सबसे ज़्यादा ऐप यूज़ करता हूँ, ये किसी को ना पता चले। तो उसके लिए आपको यहाँ जाना है 3 डॉट्स पे और यहाँ चले जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आज सबसे ऊपर आपको मिलेगा सो सजेशन ऐप। आप इसको जैसे ही ऑफ कर देंगे ना तो सबसे पहले जो सजेशन ऐप आ रही थी ना, जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हो, ऑटोमेटिक हट गई हैं। आप देख सकते हैं वो यहाँ पर हट चुकी हैं। उसके बाद यहाँ जाएंगे वापस सेटिंग्स पे। अगर आपको सर्च सजेशन नहीं चाहिए वो हटा देंगे तो आपको सर्च सजेशन वाला ऑप्शन हट गया है। उसी के बाद अगर नीचे आएंगे यहाँ पर आपको शो, उसके बाद आपको शो सेटिंग्स एंड सर्च सजेशन नहीं चाहिए वो हटा देंगे तो वो हट गया है। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप चाहें कि मुझे डाउनलोड एंड स्क्रीनशॉट फोल्डर वाला नहीं चाहिए भाई, ये नहीं दिखना चाहिए, या शो ऑप्शन नहीं दिखना चाहिए सर्च में, तो वो सब हट जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर रीसेंट सर्च का ऑप्शन मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि रीसेंट सर्च हिस्ट्री भी ना दिखे तो वो भी सब हट जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ दिख जाए, सिर्फ रीसेंट सर्च ना दिखे, या फिर जो ऐप्स होती हैं वो ना दिखे और डाउनलोड ये सब दिख जाए और सर्च हिस्ट्री ना दिखे कि मैंने कौन कौन सी ऐप या क्या क्या चीज़ें सर्च मारी है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। और साथ में शो हिडन्स ऐप को क्लिक कर देंगे तो जितनी भी हिडन्स ऐप होंगी सब आपको यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। तो इस तरीके से ये ऐप काम करता है, या इस तरीके से ये फीचर काम करता है, जो कि मुझे बहुत ही यूज़फुल लगता है यार। डेली लाइफ के लिए बहुत ही शानदार ऐप है, क्योंकि यार हम सबसे ज़्यादा यही करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हमें फटाक से डालना है। जैसे मुझे को तो बहुत आता है, मैं जब भी ऐप्स को सर्च मारना हो, यहाँ गया तो रिसेंटली मैंने ऐप खोली, फट से खोला, और चाहिए हो तो यहाँ पर उसको ऑफ कर दिया, यहाँ से ऑफ करके यूँ करके फटाक से खोल लिया, या सर्च करना हो तो यहाँ सर्च भी कर लेता हूँ। मुझे जो भी सर्च करना हो तो उसमें, जैसे मैंने ऐप लिख के सर्च करा, उसमें मैप्स में भी आ गया, म्यूजिक्स में भी आ गई है, कॉन्टैक्ट में भी जो होंगे वो आ गए, या मैसेज हो गए, मेल हो गए, सब जगह उसने ऑटोमेटिक एक ही बार में उसको सर्च कर लिया। तो इस तरीके से ये काम करता है फाइंड माई मोबाइल वाला। तो दोस्तों यही हिडन फीचर था, जो या हिडन टिप थी जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पिछले कुछ टाइमों से मैं अभी कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, या फिर लोगों के इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो भी मैसेज आ रहे हैं उसके रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। कुछ पर्सनल इशूज़ के कारण मैं उसको अभी एक्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। तो लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि यार तुम कमेंट पर रिप्लाई तो करते नहीं हो, या मैसेज पर कोई जवाब तो देते नहीं हो। तो थोड़ा सा मैं प्रिपेयर हो जाऊँ, उसके बाद मैं आपको सबके रिप्लाई दूंगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करें और आगे बढ़ने, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि ऐसी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच।